मेरे प्यारे बच्चों, ये आज हिंदी का टेस्ट है। अब मैं आज से शाम से इवनिंग से रोज़ टेस्ट सीरीज डाला करूँगा। ये रस चैप्टर का टेस्ट है, तो आप 15 क्वेश्चन बोर्ड पे उतरे हुए हैं, इन्हें सॉल्व करिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, ठीक है। ये एक टेस्ट है हिंदी का, आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, 15 टोटल क्वेश्चन है। मैं आपको पास जा के इन्हें क्लियरिटी से दिखाता हूँ बिल्कुल, ठीक है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1, इन्हें लगाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 4, 5, इन्हें सॉल्व करिए बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें सॉल्व करो जल्दी से, फिर मैं इन्हें सॉल्व करवाऊंगा। आप देखिए कितने आपके सही निकले। रोज़ इस तरीके से टेस्ट सीरीज चला करेगी, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन वन साइड में हैं और ये क्वेश्चंस इधर हैं, इन्हें आप सॉल्व करिए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये टोटल 15 क्वेश्चन है बेटा। 1 मिनट हो गई है वीडियो बनते हुए, तो इसे आप रोक के एक बार पूरा टेस्ट सॉल्व करें, उसके बाद देखें जरा कितने सही निकले हैं, ठीक है। मैं आपका सॉल्व कराता हूँ अभी से, ठीक है बेटा। तो आप ज़रा देखिए, मैं अभी से सॉल्व कराता हूँ, फोकस अपनी तरफ कराता हूँ कैमरे का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ जुड़िए। पहला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के आदि विवरण तक बताओ। तो ये सीधा रटने का क्वेश्चन है, समझने का नहीं है। कुछ क्वेश्चन समझने की, उन पर समझने वाली बातें करेंगे, कुछ रटने वाली बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, रस सिद्धांत के आदि विवरण तक बताओ। तो रस सिद्धांत के आदि विवरण तक कौन है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपका सही है या गलत है ये चेक करिए भैया। रस सिद्धांत, ये क्वेश्चन याद करने का तो याद कर ले, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक बताओ, भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है, तो आचार्य भरत ने बेटा 8 रस का उल्लेख करा है। कितने का, 8 रस का। उन्होंने 7 रस को रस नहीं माना है। कितने रस का उल्लेख करा, 8 का। आचार्य भरत ने कितने रस का करा है, भरत मुनि ने 8 रस का करा है। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद है, हास्य मतलब हास्य रस जो है वो किसी चीज पर आपको हंसी आती है, उसके 6 भेद है बेटा। कितने भेद है, 6 भेद है, ठीक है। आप चेक करते चलिए आपके कितने सही निकलने। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है, काव्य शास्त्र क्या, रसों की संख्या कितनी है बेटा, रसों की संख्या है 8, क्योंकि काव्य में शांत रस को रस नहीं माना गया, नाटक में भी, ठीक है। तो कितनी है, 8। वैसे रसों की संख्या अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले, रसों की संख्या बताओ, तो कितनी बतानी है आपको बेटा, 9। रसों की संख्या पूछ ले, रसों की संख्या कितनी है, 9, ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो बेटा स्थाई भाव 9, स्थाई भाव 9, रसों की संख्या 9, अगर संचारी भाव पूछ ले तो 33। संचारी भाव कितने हैं बेटा, 33। संचारी भाव कितने हैं, 33। संचारी भाव 33। भक्ति रस की स्थापना किसने कही, तो भक्ति रस, भक्ति बेटा, भक्ति, भक्ति किसी के रूप की नहीं होती, केवल भगवान के रूप की होती है। भक्ति किसकी होती है, भगवान के रूप की, रूप गोस्वामी। भक्ति किसकी होती है, भगवान के रूप की। सात्विक अनुभव किसे कहते हैं बेटा, ठीक है, कितने हैं, सॉरी संख्या पूछी है, तो सात्विक अनुभव की संख्या कितनी है बेटा, इसकी संख्या है 8। इसकी संख्या कितनी है, 8। इसके बारे में बेटा डीपली पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, ये देख लेंगे हम इसे, ठीक है, क्लियर बेटा। विभत्स रस का स्थाई भाव बताओ, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, ये रहा बेटा जुगुप्सा, विभत्स रस का। इसके बारे में हम किसी दिन डीपली लेंगे, ये टेस्ट सीरीज रोज चलेगी। पहला चैप्टर मैंने रस स्टार्ट करा है, रस की टेस्ट सीरीज चलेगी 3 दिन, लगभग 15 क्वेश्चन इस तरीके से लेना, ठीक है। विभत्स रस का स्थाई भाव है जुगुप्सा या घृणा। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखमय रस, यानी कि सुख देने वाला रस किसको माना, सबसे ज्यादा सुख देने वाला रस बेटा हास्य रस को माना है, क्योंकि इसमें हंसी आती है, सुख मिलता है। मज्जा मास रुधिर पतनारे, सुनी मिचली कस होई निहारे। इस ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के, इस पे थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। देखो बेटा, जब भी आपको कोई छंद या अलंकार डाल के, रस डाल के कोई आपको टॉपिक दिया गया है और उसमें पूछा आप इसमें रस बताओ, तो कैसे पहचानना है, तो इसके लिए बेटा मैं आपको रोज एक दो क्वेश्चन ऐसे डालता रहूंगा, जिनकी ट्रिक बताता रहूंगा। अगर कभी भी मांस मच्छी आंख निकाल के खाना, कोयल आंख निकाल के खा रही है, कौवा आंख निकाल के खा रहा है, ऐसा कोई शब्द आता है तो वो हमेशा कौन सा होता है, विभत्स रस होता है, क्योंकि इसका विभत्स का स्थाई भाव क्या, जुगुप्सा या घृणा। मतलब इसको मांस कोई निकाल के खा रहा था, आपके मन में गंदगी सी नहीं आ जाएगी, या क्या हुआ, अच्छी, तो ऐसा किस में आता है, विभत्स में आता है। क्या क्या ट्रिक है भैया, दोबारा से बताइए। इसमें आपसे कहे कौवा मांस नोच के खा रहा है, कोई गिद्ध बैठा है किसी मरे हुए जीव पे, उसकी आंख निकाल के खा रहा है, या मांस नोच के खा रहा है, या कूड़ी की बात आ जाए, गंदगी की बात आ जाए, वो सारे रस विभत्स रस होते हैं। कैसे होते हैं, विभत्स रस होते हैं। असूया क्या है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, संचारी भावों की संख्या बताओ, 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है बेटा, 33।
तो ये क्या बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं भैया 33 तो बहुत सारे शब्द हैं, क्या इन 33 संचारी भावों को रटे? बेटा रटना पड़ेगा अगर आपको टॉप करना है, पेपर निकालना 100%। क्यों? अब ये क्वेश्चन पूछ लिया असुईया क्या है, अब क्या भैया ये तो रस में कभी पढ़ाई नहीं, तो जो 33 क्या है आपके संचारी भाव, इन 33 संचारी भाव में से एक है असुईया, तो 33 के 33 याद होंगे जल्दी तो पहचान पाओगे, वो ऑप्शन कैसे बना देगा, एक काव्य दोष है क्या, हमें नहीं पता पड़ेगी क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता असुईया क्या, हम कहेंगे हो सकता है एक काव्य गुण है पता नहीं, एक अनुभव है, अनुभवों की संख्या कितनी बताई थी मैंने अभी नहीं बताई, अनुभव 8 होते हैं ठीक है, तो हम सोच सकते हैं उनमें से भी हो सकता है, लिख रहा एक संचारी भाव 33 होते हैं, तो ये बेटा उन 33 में से एक है, तो आपको 33 के 33 याद होना जरूरी है, कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा उस टाइम आप फंस जाओगे। करुण रस का स्थाई भाव बताओ, करुण रस का स्थाई भाव क्या, शोक, करुण मतलब करुणा रो रही है दुख में, शांत रस का स्थाई भाव का शांत निर्वेद, जिसके पास वेद का ज्ञान नहीं है वो शांति रहेगा, जिसके पास वेद का ज्ञान नहीं है वो क्या रहेगा शांत। स्थाई भावों की कुल संख्या मैंने बताया था, स्थाई भाव कितने हैं ठीक है 9, यहां तो दे ही नहीं रखा बेटा ऑप्शन में, आप बना लीजिए, विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है ठीक है, तो विस्मय किसका, दुख का बेटा, दुख किस में आता है इनमें से, हास्य रस में, अद्भुत रस में नहीं आता, अद्भुत अद्भुत का मतलब ये विस्मय क्या हो गया, आश्चर्य वाली बात, मैं विस्मय में हूं तो आश्चर्य, आश्चर्य किस में आता बेटा अद्भुत में ठीक है, वीर रस का हो जाता उत्साह, हास्य रस का क्या है हास्य, शांत रस का क्या हो जाता बेटा निर्वेद, अभी मैंने पढ़ाया, तो ये विस्मय किसके लिए बचा, अद्भुत रस के लिए, अद्भुत रस का क्या स्थाई भाव, आश्चर्य या विस्मय, तो विस्मय किसका हो गया, अद्भुत रस का। रोज इस तरीके से हिंदी के 15 क्वेश्चन करा करेंगे बेटा प्रैक्टिस के तौर पे, आपको उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ठीक है, अपने भैया का सपोर्ट करें, धन्यवाद।